हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचांग के अनुसार इस वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त विधि, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का सही समय और साथ ही जानेंगे शरद पूर्णिमा का स्नान दान कब किया जाएगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम सभी को पूरे साल जिस पूर्णिमा का इंतजार रहता है वो है अमृत बरसाने वाली शरद पूर्णिमा। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं पंचांग में इस वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त विधि, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का सही समय और शरद पूर्णिमा का स्नान दान कब किया जाएगा। आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा कब है 2024 में। दोस्तों, इस साल आश्विन मास की शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर दिन बुधवार को है। पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और पूर्णिमा का स्नान दान 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। अब जान लेते हैं आश्विन पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर की रात 8:40 पर और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का समापन होगा 17 अक्टूबर सायंकाल 4:56 पर। अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 अक्टूबर की रात 11:42 से 17 अक्टूबर की सुबह 12:32 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा 16 अक्टूबर की शाम 5:05। दोस्तों, स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 अक्टूबर की सुबह 4:43 से सुबह 5:33 और खीर रखने का समय रहेगा 16 अक्टूबर की रात 8:40 के बाद। आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान जरूर करें। दोस्तों, अब सबसे पहले अपने इष्ट देव की आराधना करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें तिलक करें। दोस्तों, पूजा स्थल में धूप दीप जलाएं और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को अक्षत, तांबूल, पुष्प, सुपारी, खीर का नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित करें। दोस्तों, शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद चंद्रमा को दूध मिले हुए जल का अर्घ दें। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं और फिर रात को खीर से भरा हुआ बर्तन चांद की रोशनी में रखकर इसे दूसरे दिन ग्रहण करें। दोस्तों, कहते हैं कि यह खीर का प्रसाद अमृत स्वरूप हो जाता है, जिससे प्रसाद ग्रहण करने वाले जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।